शिक्षा के मामले में हमारे जब योगी जी आए थे तो हमें उम्मीद थी कि कॉलेज और देंगे, स्कूल और देंगे राज्य विधानसभा में, लेकिन उन्होंने कोई ना यूनिवर्सिटी का लिए किया और ना ही कोई कॉलेज स्कूल, कुछ नहीं कहा। इस बार सपा एक तरफा है, बीजेपी तो डूब जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री जो दादरी में आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ दादरी को लेकर चले गए। जय हिंद दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा। मेरे सामने जो मूर्ति है वो गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की है, जिसका अनावरण 22 तारीख को योगी जी ने किया था। हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ कुछ साथी भी हैं यहाँ पर। आज यहाँ अखिलेश जी आने वाले हैं जो गुजरों की वोट को थोड़ा सा अपनी तरफ करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ कुछ भाई हैं, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या है माहौल दादरी विधानसभा का? दादरी विधानसभा का माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ है और हमारे जो प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटी जी, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं। बेरोजगारी इस बार काफ़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया हुआ है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो बहुत हैं लेकिन 200 किलोमीटर का जो बोर्ड लगा हुआ रहता है उसकी वजह से यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षा और सुरक्षा, शिक्षा के मामले में हमारे जब योगी जी आए थे तो हमें उम्मीद थी कि कॉलेज और देंगे, स्कूल और देंगे दादरी विधानसभा में, लेकिन उन्होंने कोई ना यूनिवर्सिटी का लिए किया और ना ही कोई कॉलेज स्कूल, कुछ नहीं कहा। काफ़ी उम्मीदें थी योगी जी से, और भाई से बात करेंगे। नीतीश भाटी, भाटी जी क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार सपा एक तरफा है, बीजेपी तो डूब जाएगी। बीजेपी डूब जाएगी इस बार, सपा एक तरफा है। तो शिक्षा सुरक्षा, जैसा कि अखिलेश जी खुद भी कह रहे हैं कि लैपटॉप देंगे युवाओं को यो रोजगार देंगे, तो सुरक्षा के लिए क्या एहतियात बरतेंगे? थोड़ा सा योगी जी का कहना है कि सरकार सपा की या बसपा की आती है तो थोड़ा सा बीजेपी में भी बहुत गुंडागुर्दी है। नई सपा है, नई हवा, नई सपा नई हवा के साथ। हाँ जी भैया, क्या नाम? अविनाश भाटी जी। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार साइकिल एक तरफा जाएगी यहाँ से विधानसभा। तो प्रत्याशी जो हैं आपके राजकुमार भाटी जी, वो किस तरीके का, उनका क्या वादे हैं, क्या आप कुछ बताना चाहें? राजकुमार भाटी जी के बहुत अच्छे वादे हैं। उन्होंने बोला है कि 200 किलोमीटर का जो बोर्ड है, मैं विधायक हूँ या ना, उसे पाड़ के फेंकने की क्षमता रखता हूँ अपने अंदर, और वो इस काम को करके दिखाएंगे इस बार। तो पप्पू प्रमुख है, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दादरी। इस बार क्या देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी से हैं तो आप कहेंगे समाजवादी का ही वो है, लेकिन जो आपके प्रत्याशी हैं उनके कुछ वादे, कुछ जैसा भैया ने बताया बोर्ड को उखाड़ फेंकेंगे वो जो, लेकिन शिक्षा और सुरक्षा में क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की, जैसा आपने कहा था कि आप समाजवादी पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी को 22 सितंबर को छोड़ दिए मैंने। अच्छा, 22 सितंबर को आपने, जिस दिन ये मूर्ति का अनावरण हुआ था उस दिन आप भारतीय जनता पार्टी लात मार के यहीं से चला गए थे। कोई खास कारण? कोई खास कारण क्या, ये सम्राट मिहिर भोज गुजरों के हैं और गुजरों के ही रहेंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर कालिक शब्द गुजर शब्द के नाम पर कालिक शब्द पोता गया था, इससे हमारे क्षेत्र में बहुत नाराजगी है और गुजर समाज अपने अपमान का बदला लेना चाहता जानता है। अब 10 तारीख को साइकिल वाले बटन दबाकर गुजर समाज उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी को सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से जिता गया। तो उसमें मैं थोड़ा सा प्रकरण पे आ जाऊँगा, जो 22 तारीख का आप बता रहे हैं, तो क्या हुआ था उस समय, क्या था पूरा मामला? थोड़ा सा पूरा मामला ये था, ये सारा प्रकरण गुजर विद्यासभा ने लिया था। लखनऊ गई थी गुजर विद्यासभा के अध्यक्ष राजन भाटी जी और काफ़ी लोग गए थे विद्यासभा के, जो मैनेजमेंट के लोग हैं आज के, उनसे टाइम मांगा था कि आप हमारी मूर्ति का अनावरण करते हैं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा था कि आपकी इतनी बड़ी संस्था है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है कोई, आप मुझे को बुलवाइए दादरी में, मैं यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाऊँगा और क्षेत्र के विकास के लिए देकर जाऊँगा पैसे। तो उन्होंने आपसे, मतलब जब वो जो संस्था गई थी तो उससे वादा किया था कि मैं यूनिवर्सिटी की घोषणा भी करूंगा? उसने के वादा किया था बिल्कुल 100% का, 101% वादा किया था उन्होंने। अपना आप भी कही थी कि आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी आपके पास, इतनी संसाधन है आपके पास, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मैं घोषणा करके जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दादरी में आए थे, तो 20 लाख रुपया दादरी मिहिरभोज इंटर कॉलेज के लिए देकर गए थे और 20 लाख रुपया धनकौर के किसान इंटर कॉलेज को देकर गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री जो दादरी में आए थे खाली हाथ दादरी को लेकर चले गए। तो इस बार काफी लोग जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ज्यादातर लोगों का यही मत है कि वो पहले भाजपा के साथ थे, लेकिन जब से ये गुजर सम्राट मीर भोज का जो प्रकरण हुआ 22 तारीख से, उसके बाद से थोड़ा सा वोटों का कन्वर्जन हुआ है और वोट ज्यादातर जो वोटे हैं वो सपा की तरफ कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। शिक्षा और सुरक्षा के बारे में, शिक्षा हमने पहले फ्री की थी, 300 यूनिट माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और जो फैक्ट्रियों के गेट के सामने बाहर लग रहा 200 मीटर गेट के अंदर
200 मीटर के अंदर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। चुनाव जीतने के बाद राजकुमार भाटिया हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उन बोर्ड को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। एक घंटे के भीतर भीतर कोई बोर्ड रहेगा नहीं फैक्ट्री के बाहर। जीतते ही एक घंटे के अंदर अंदर कोई बोर्ड नहीं दिखाई देगा फैक्ट्रियों के बाहर, और इस तरीके के वादे हैं अखिलेश जी के। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, किसके पक्ष में जाएगी जनता, हर गांव से जानेंगे क्या है उनकी चुनावी रणनीति। जेवर विधानसभा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोनू नागर के साथ, सिर्फ हिंद फोकस न्यूज पर। चुनाव की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हिंद फोकस न्यूज को सब्सक्राइब करें।